एक तरफ ईडी का एक्शन जारी है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और विरोधी दलों के बीच वार पलटवार का दौर भी गर्मा गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र खत्म करने में लगी है। लोकतंत्र के खात्मे का संकेत कई स्तरों पर मिल रहा है और मैं जाहिर तौर पर मुझे पता भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल है या पुतिन का मॉडल है। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ईडी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। ऐसा है कि जब उन पे लालू जी पे आरोप लगे हुए नौकरी के बदले पैसा लेने का और वो आरोप सिद्ध हो रहे हैं तो ईडी अरेस्ट क्यों नहीं करेगी? और डरा हुआ कौन है? इसका अरेस्ट हो रहा है वो डरेगा कि ईडी डरेगी? कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया था कि मोदी की सरकार फिर बनी तो तानाशाही आ जाएगी। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल अब आमने सामने आ गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि घोटाला किया है तो जांच होगी। एक चीज बताइए, 1997 में किसकी सरकार थी और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए, तो इसका जांच तो होगा ना? जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया। वहीं आरजेडी ने आरोप लगाया कि बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है। भाई देखिए, ये तो चल ही रहा है पूरे देश में, सभी जो बीजेपी के नीतियों का विरोध कर रहे हैं सभी विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि लालू जी जब सीएम थे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री थे तो लोगों को नौकरी का झांसा देकर जमीन लिखवा ली। विरोधी दलों के देश में लोकतंत्र खत्म करने के आरोपों पर बीजेपी ने अब करारा जवाब दिया है। बीजेपी का कहना है कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की वो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर लोगों के मौलिक अधिकार को ही खत्म कर दिया था। क्या आपको पता है कि एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था 5 साल से बढ़कर 6 साल? यस, इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी में। आपको पता है कि मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा था ताकि आपातकाल को याद रख सकें। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है, वो क्यों है? MISA एक एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जिसमें अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए तो वो जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकता था। कल उत्तराखंड में एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा था कि अगर मोदी दोबारा जीते तो देश में तानाशाही आ जाएगी। कांग्रेस नेता खड़गे के बयान के साथ खड़े दिखे तो बीजेपी ने कड़ा जवाब दिया। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करारा पलटवार किया। इंदिरा जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या की और उस हत्या करने वाली पार्टी के अध्यक्ष अंदाज लगा रहे हैं, भविष्य वक्ता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी को पानी पी के गाली दे रहे हैं, आप कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के साथ खड़े नजर आए। नाम मात्र का जनतंत्र भारत में भी रह जाएगा अगर दोबारा मोदी जी चुनकर से आते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में सबको खत्म कर दिया। देश में चल रही ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान में भारतीय टेनिस टीम को राष्ट्र प्रमुख जैसी सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। डेविस कप मैच के लिए भारतीय टेनिस टीम लगभग 60 साल बाद पाकिस्तान पहुंची है। दोनों देशों के तल्ख रिश्तों और सुरक्षा पर उठते सवालों को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को राष्ट्र प्रमुख जैसी सुरक्षा मुहैया करवाई है। भारतीय टीम की सिक्योरिटी टीम में सुरक्षा कर्मियों की भारी भरकम टुकड़ी के साथ एक बॉम्ब स्क्वाड भी तैनात किया गया है। लखनऊ में LDA ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। BKT इलाके में करीब 15 करोड़ की कीमत के 42 मकानों पर विभाग का बुलडोजर चला। यहां करीब 3 बीघा में अवैध प्लॉटिंग कर अवैध मकान बनाए गए थे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में शाहपुरा की SDM निशा नापित शर्मा की हत्या का आरोप उनके ही पति मनीष शर्मा पर लग रहा है। आरोप है कि मनीष ने तकिए से मुंह दबाकर अपनी SDM पत्नी को मार डाला। डिंडोरी पुलिस ने आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक स्कूल वैन और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में वैन में सवार दो स्कूली बच्चों और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। ये घटना बरेली मथुरा रोड पर हुई, जब वैन बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को करारी शिकस्त दी। नतीजों में बीजेपी को 16 वोट मिले, जबकि गठबंधन के उम्मीदवार को 12 वोट हासिल हुए। वहीं 8 वोट अयोग्य करार दिए गए, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने चंडीगढ़ के मेयर पद के लिए हुए चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो रोते हुए नजर आए और इंसाफ के लिए हाईकोर्ट जाने का दावा किया। लोकतंत्र की हत्या हुई है यार, वहाँ पर आस है, वहाँ पर इंसाफ मिलेगा। वहीं गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। काउंटिंग एजेंट के लिए नहीं बुलाया उन्होंने, ये हर बार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, एमपी इलेक्शंस में जनता को जवाब देना होगा इनका। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि जीत हासिल करने के लिए 8 वोटों को जानबूझकर अयोग्य करार दिया गया। मेयर चुनाव में मिली हार से बौखलाई आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र का काला दिन करार दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया कि मीडिया के सामने संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और आंखों के सामने बीजेपी ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली कर जीत हासिल की। डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा। मीडिया के सामने, वीडियो कैमरों के सामने किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। मेयर चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इसे काला दिन बताते हुए बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। इशू है कि सरे आम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ना तो कानून मानती है और ना ही संविधान को। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों पर शुरू हुई सियासी बयानबाजी पर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी ने दावा किया कि जनता का विपक्षी गठबंधन से विश्वास उठ चुका है, जिसका नतीजा मेयर चुनाव के नतीजों में ही सामने आ गया। वहीं चंडीगढ़ के नवनिर्वाचित मेयर मनोज कुमार सोनकर ने गठबंधन के आरोपों को नकारते हुए इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। विपक्षी दल तो मैं पहले भी अभी कह के हटाऊं मीडिया के आगे कि वो हर साल ही ऐसी करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट ईयर जब मेयर का इलेक्शन आएगा तब भी उन्होंने ऐसे करना है, क्योंकि जो वोटें हमें हुई हैं हमारे काम को देख के हुई है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं हमारे देश के लिए, पूरा वर्ल्ड तारीफ कर रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं ने विपक्षी गठबंधन के हाईकोर्ट जाने के मुद्दे पर साफ किया कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और चुनाव कोर्ट के मुताबिक ही हुए हैं। अगर वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ते तो उस समय तो पूरा देखते वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको खुद को पता था कि अपने वोट्स इनवैलिड जेन्युइनली हो रहे हैं, लोगों का इंडिया अलायंस पर भरोसा टूट गया है। वहीं इस जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर इंडिया गठबंधन को पहली ही लड़ाई में हारने पर तंज कसा, साथ ही चंडीगढ़ बीजेपी नेताओं को जीत पर बधाई दी। जी न्यूज़।